हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो प्रभास की बाहुबली 1 और बाहुबली 2 मूवी जरूर देखा है। मेरे को पता है आप लोग प्रभास को लाइक जरूर करते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रभास के आने वाला 5 मूवी के बारे में। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं ऐसा मूवी और वेब सीरीज का वीडियो रेगुलर इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो कर देना यार, आप लोगों को देखने भी मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ही जो मूवी आता है उसका नाम है आदि पुरुष। ये मूवी के बारे में आपने तो शायद सुना ही होगा। ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा फिल्म होने वाला है। इस मूवी का बजट लगभग 550 करोड़ के ऊपर है। बस समझ रहे होगे कितना बड़ा बजट है इस मूवी का। ये मूवी का जो डायरेक्टर है वो है ओम राउत भाई, बहुत फेमस डायरेक्टर है बॉलीवुड इंडस्ट्री के। रामायण को लेकर ये मूवी करा गया है। इस मूवी का रिलीज डेट भी अनाउंस हो गया है। ये मूवी रिलीज होने वाला है 16 जून को, मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, जल्दी ये मूवी थिएटर में आने वाला है। इस मूवी में कौन कौन एक्टर या एक्ट्रेस रहने वाला है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस मूवी में सबसे पहले ही रहने वाले हैं प्रभास, कृति सेनन, उसके बाद अमिताभ बच्चन, काजोल, सैफ अली खान, सोनाली चौहान, सनी सिंह और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस इस मूवी में रहने वाले हैं। तो मूवी तो बहुत अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है जरूर से एक बार कमेंट करके बता देना। नंबर 2 पर आता है प्रभास का सलार मूवी। एक साउथ मूवी, वैसे एक तेलुगु मूवी होने वाला है। इस मूवी का बजट लगभग 200 करोड़ से ऊपर है। इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है प्रशांत नील। आपको इसके बारे में शायद सुना होगा। ये KGF 1 और KGF 2 के डायरेक्टर हैं। तो भाई बहुत अच्छा डायरेक्टर है। और एक मेन बात इस मूवी के बारे में, ये मूवी KGF Chapter 2 से थोड़ा कनेक्टेड है। सॉरी भाई, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है KGF Chapter 2 से, क्योंकि KGF Chapter से ही ये मूवी का शुरुआत हुआ है। तो चलो इसके बाद जान लेते हैं कि ये मूवी में कौन कौन रहने वाला है। तो सबसे पहले ही आ जाते हैं प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन, उसके बाद श्रुति हसन, मीनाक्षी चौधरी, जगपति बाबू, श्रीनिधि शेट्टी, कृति सुरेश और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस इस मूवी में रहने वाले हैं। मूवी वैसे भी बहुत अच्छा मूवी होने वाला है। तो आइए इसके बाद जान लेते हैं ये मूवी का रिलीज डेट। तो ये मूवी रिलीज होने वाला है 28 सितंबर को 2023 में, मतलब इस साल ही ये मूवी रिलीज होने वाला है। ज़्यादा देर नहीं है भाई। ये मूवी को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो ज़रूर उस वीडियो को जाके आप चेकआउट करना भाई, उसमें सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वैसे भी आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। नंबर 3 पर आते हैं प्रोजेक्ट के। ये भी भाई बहुत बड़ा फिल्म है। इस मूवी का बजट भी 500 करोड़ के ऊपर है। ये मूवी का डायरेक्टर है नाग अश्विन, जो कि एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर है। इसके अगर रिलीज डेट के बारे में बात करूँ तो ये मूवी 12 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाला है, मतलब कि अगले साल ये मूवी रिलीज हो जाएगा। इस मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में रहने वाले प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन, दिशा पटानी, पवन कल्याण, सामंता प्रभु, कृति सुरेश और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस इस मूवी में रहने वाले हैं। मूवी बेसिकली बहुत ही अच्छा मूवी होने वाला है। आपको क्या लगता है जरूर से एक बार कमेंट करके बता देना। और ये मूवी लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, रिसेंटली अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और वीडियो के एंड पे आपने को दिखने को मिलेगा। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं स्पिरिट। इसका भाई हमारे हिसाब से मीनिंग है आत्मा। अगर ये मूवी थोड़ा भूतिया टाइप होने वाला है, क्या होने वाला है पता नहीं, पर इस मूवी का बजट बहुत ज़्यादा है, 250 करोड़ से ऊपर है। इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है संदीप रेड्डी, जो कि एक मशहूर डायरेक्टर है। यह मूवी बेसिकली 2024 के एंड पर रिलीज होने वाली है और लगता है 2025 पे ये मूवी आने वाला है। ज़्यादा देर करके ही रिलीज करेंगे, थोड़ा अच्छा मूवी बनाएंगे, लेवल पे लेके आएंगे। तो आइए इसके बाद जान लेते हैं कि ये मूवी में कौन कौन रहने वाला है। तो सबसे पहले ही आ जाते हैं प्रभास और करीना कपूर। ये दोनों एक्टर और एक्ट्रेस के नाम ही सामने आए हैं। अगर और ज़्यादा अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं प्रोजेक्ट के पार्ट 2। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि प्रोजेक्ट के मूवी रिलीज होने वाला है 2024 के 12 जनवरी को। वो मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज होने वाला है। ये मूवी बेसिकली 2026 या 2027 में रिलीज होने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आपने अगर इतना देर वीडियो देखा है तो आपको दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसी तरह चैनल पे बने रहना। तो बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुश रहना।